न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। राष्ट्रपति के आगमन के मद्देनजर एडीजी सुरक्षा ने की ब्रीफिंग, जिले के आला अधिकारी भी रहे मौजूद, कहा सुरक्षा के हैं पुख्ते इंतजाम। राष्ट्रपति के स्वागत के लिए गोरखनाथ मंदिर भी तैयार, 10 दिसंबर को मंदिर आएंगे महामहिम। शनिवार को जिले के 108 केंद्रों पर होगी सीटेट की परीक्षा, जिलाधिकारी ने समय से पहले केंद्रों पर पहुंचने के लिए परीक्षार्थियों से की अपील। भाजपा के गांधी स्मृति पद यात्रा में शामिल हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल, लोगों को बताई सरकार की उपलब्धियां, कहा 2019 में बनेगी केंद्र में भाजपा की सरकार। राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए सुरक्षा फ्लीट ने किया सड़क मार्ग का जायजा, डीएम ने कहा सुरक्षा के हैं पूरे इंतजाम। राष्ट्रीय लोक अदालत में 43,893 वादों का हुआ निस्तारण, सुलह समझौते के आधार पर 10 जोड़ों का जनपद न्यायाधीश ने किया विदाई। शिक्षिका ने स्कूल के छात्रों से धुलवाई अपनी कार, बीएसए ने किया निलंबित, वायरल हुआ था वीडियो। नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले वार्डनों को डीएम और एसएसपी ने किया सम्मानित, कहा प्रशासन का अभिन्न अंग है सिविल डिफेंस। समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक हुई संपन्न, लोकसभा चुनाव में सफलता पाने के लिए बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की प्रक्रिया हुई तेज, मनोनीत नए सदस्यों का हुआ जोरदार स्वागत। शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्वयं प्रभा चैनल का कुलपति ने किया शुरुआत, छात्रों को मिलेगी शैक्षिक जानकारी। वेतन विसंगति सहित विभिन्न मांगों को लेकर डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन द्वारा दी गई आंदोलन की चेतावनी 1 माह के लिए हुई स्थगित, 7 जनवरी को होगी आगामी बैठक। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वैच्छिक श्रमदान में कुलपति सहित स्वयं सेवकों ने किया श्रमदान, लोगों को किया गया स्वच्छता के प्रति जागरूक। स्थापना दिवस के अवसर पर नागरिक सुरक्षा कोर ने हर्षोल्लास के साथ निकाली रैली, लोगों को किया जागरूक। और अंडर 14 क्रिकेट ट्रायल की हुई शुरुआत, यूपीसीए जूनियर के सिलेक्टर ने किया ट्रायल, टैलेंट हंट करने के बजाय जीसीए बना टैलेंट हंटर। गोरखपुर न्यूज करेगा जल्द खुलासा।